Yeah, well, I don't know. You wanna stop by later, maybe I'll go to fix something too. You wanna grab something from the street and bring it home? Well, yeah. 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 Okay. Yeah. So, ये मिला है कमरा, ये अच्छा है, गुड एंड सब कुछ है यहाँ पे, और ओवन भी है, बट आई डोंट थिंक कोई यूज करता है इसको, लॉकर है, ये आपका सेफ की सेफ लॉकर है, गोदरेज है लॉन्ड्री के लिए, सब ये विंटेज टाइप होटल है ये आपको गुड बेड एंड ऑल। सो गाइस फाइनली मैं होटल में पहुंच गया, काफ़ी लंबा जर्नी था कंटिन्यूसली, और ये देखो दिस इज द होटल, और इसमें मेरे को एक दिन का है स्टे है, कल अर्ली मॉर्निंग मुझे निकलना है यहाँ से, तो आज के लिए यहाँ पे ही रुकने का है। तो बेसिकली बात ये है कि देखो मैं वहाँ से इंडिया से चला था कल 5 बजे, वन सेकेंड वन कॉल, कोविड टेस्ट के लिए यहाँ पे सैंपल लेने के लिए एक बंदा आ रहा है यहाँ पे, ही विल टेक द सैंपल राइट देयर, रिपोर्ट आ जाएगा, रिपोर्ट आने के बाद फिर हम मेरे मुझे शिप पे जाने का अलाउ होएगा या परमिशन मिलेगा। सो जस्ट रिसेप्शन कॉल्ड, coming from, sir? Where was the ship that brought you here? Was coming from? No, ship is here only. I'm coming from my home. Where was it? To join from India. India, yeah. All right. Right, India here. Correct. Kumar. Kumar G. G, okay. Your place of birth? Okay. Correct. Correct. All right. Breathe through now. Too strong. All right, we are done. Okay. Results should be in by this afternoon or latest tomorrow in the morning. Tomorrow morning. Yes. Any questions? No. All right then. Thank Bye. You. Thank you. COVID test भी हो गया है। हाँ, मैं क्या बोल रहा था कि कल मैं होटल से निकला था 4:30 बजे शाम को, और आज इंडिया के टाइम से अभी देखो यहाँ पे बज गया है 7, सो मोर देन 24 आवर मैं हवा में था, बट यहाँ साउथ अफ्रीका के टाइम से यहाँ बज रहा है 3:30 ही बज रहा है, हवा में ही टाइम ख़त्म हो गया, पता नहीं किधर चला गया, अभी कल इसके हिसाब से देखा जाए तो 6-7 घंटे गए ऐसे ही, किधर तो हवा में ही चले गए, फ्लाइट का जर्नी जो है ना बहुत बोरिंग होता है। अभी मैं जल्दी से फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होकर कुछ खाने वाने का है यहाँ, खाने के लिए भी मेनू में तो मुझे कुछ समझ में आएगा नहीं, समथिंग सैंडविच और बर्गर ही खाना पड़ेगा, मैं भी जाते हैं खाते हैं फिर मिलते हैं आगे यहाँ से या प्लानिंग। तो गाइस नेक्स्ट अभी आया हूँ खाने के लिए यहाँ रेस्टोरेंट में, होटल के रेस्टोरेंट में, काफ़ी बड़ा है,
अमीर वाला फीलिंग आ रहा है. यू डू देन यू गेट सम प्रिविलेज. सो आई टेक इट एज अ प्रिविलेज. सो अच्छा है, थोड़ा सा एम्बियंस भी अच्छा है यहाँ पे. लाइटिंग वगैरह जो है ये ऊपर में एंड खाने में ऑर्डर किया चिकन. तो और कुछ समझ में आ नहीं रहा. चिकन ओनली वी कैन ट्रस्ट. चिकन का ही डिश ऑर्डर किया है, करी एंड और डोंट नो प्राउन समथिंग दे विल ब्रिंग, विल सी. और इतना काफ़ी लंबा ट्रैवल करके थक भी गया हूँ. आने के बाद फ्रेशों को थोड़ा रेस्ट करेंगे. अर्ली मॉर्निंग 5:30 ही लेके जाएगा. रिपोर्ट कोविड टेस्ट तो हो गया है, अब रिपोर्ट मे बी इवनिंग तक आ जाए या नहीं तो कल अर्ली मॉर्निंग आ जाएगा. तो रिपोर्ट के बाद फिर मुझे शिप पे ले जाया जाएगा. देन वहाँ से एक अलग शेड्यूल चालू पड़ेगा. शिप ज्वाइन करते टाइम आदमी थोड़ा नर्वस भी होता है, लाइक यू नो कैसा होगा, क्या होगा, लोग कैसे होंगे, वहाँ जगह थोड़ा कैसा हो. ठीक है, वो अंदर से पकड़ के रखा हो, एवरीथिंग विल बी गुड. सो हेयर इज द फूड. और अफ्रीका में भी मुझे पूरा इंडियन वाला फीलिंग आ रहा है. यहाँ पापड़ वापड़ देखो, पापड़ है ये, चिकन एंड प्रॉन का करी है एंड देन रोटी और राइस है और ये टमाटर और प्याज का सैलाड एंड ये चटनी भी है, चटनी भी है यहाँ पे. सो लेट्स हैव फन गाइस. गुड मॉर्निंग. और आज अर्ली मॉर्निंग होटल से निकला था यहाँ पे अभी रिचर्ड्स बे के लिए, डरबन से रिचर्ड्स बे के लिए. और इट्स बीन ऑलरेडी 1.5 आवर और हम रिचर्ड्स बे अभी पहुँच गए हैं. और अभी हम आए हैं कस्टम डिपार्टमेंट के यहाँ पे. यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो का काम है, उसके बाद फिर हम शिप पे जाएंगे. जब कोई भी शिप फेरा, जब शिप पे जाना होता है इट्स वेरी टेंशन. तो दिमाग में बहुत सारी बातें चलते रहते हैं यार, ये होगा, कैसा होगा, कौन होगा, कैसे होंगे लोग, कैसे होंगे. तो मैं भी थोड़ा नर्वस हूँ, इसके लिए मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ. एक्चुअली बहुत कम फुटेज और कम वीडियोस है मेरे पास बनाने के लिए. दिमाग में हमेशा वही सब चलता रहता है यार. यू कैनॉट इन्जॉय ज्वाइनिंग, ये ट्रुथ है. यू कैनॉट इन्जॉय ज्वाइनिंग. हाँ, साइन अप होगा, यू कैन इन्जॉय द साइन अप. अल्टीमेटली वी आर गोइंग होम. अभी आप जा रहे हो काम के लिए, तो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, काम आएगा, ये आएगा, वो आएगा. सो मेनी थिंग्स इन द माइंड. बट ऊपर वाला अपने साथ है, तो ऊपर वाला अपने साथ है. नो वरीज, एवरीथिंग विल बी फाइन. एंड फिर यहाँ से शिप पे जाएंगे. शिप पे जाने के बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ वहाँ का अपडेट के साथ. लेट्स गो. दैट इज द गाय. एंड हेयर इज द फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द माई शिप. और जिस शिप पे मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ ये देखो, वो वहाँ पे है, वहाँ पे आई एम गोइंग टू ज्वाइन देयर. और पोर्ट के अंदर हम इंटर कर चुके हैं और यहाँ पे और भी शिप्स हैं जहाँ पे लोडिंग डिस्चार्जिंग चालू है. एंड दिस इज आल्सो सम सॉर्ट ऑफ कार्गो जो सामने शिप पे लोड हो रहा है शायद. यहाँ और भी शिप्स लगे हुए हैं, दूसरे बल्क कैरियर जिस पे कार्गो ऑपरेशन चल रहा है, सब लोडिंग डिस्चार्जिंग चालू है. ये बर्थ पे सामने ये शिप है एंड देन आगे भी है, इधर भी है. यहाँ से जो लास्ट वाला शिप है वहाँ पे मैं जाने वाला हूँ. सो फाइनली देयर शी इज. सो दिस इज माई शिप, आई एम गोइंग टू ज्वाइन. और यहाँ पे भी शायद कार्गो लोड हो रहा है यहाँ पे. और
स्टिल राह बहुत कम है, सो फ्री बोर्ड इतना ज़्यादा है, इतना ऊपर तक चढ़ के जाना है मेरे को। फाइनली ऑन बोर्ड, बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे ऑलरेडी जो एजेंट मुझे लेके आया है एंड सेम टाइम अभी ये तीर्थ साहब को लेके जाएगा, सो मेरे पास टाइम नहीं है हैंड ओवर करने के लिए। आधे घंटे में कितना आदमी जान सकता है यार, थोड़ा सा भाग दौड़ है, बस देखता हूँ जितना जल्दी हो सकता है मैं चीज़ें उनसे पूछ लूँ जो चीज़ें ज़रूरत की है यार पहले, उसके बाद फिर बाद में देखा जाएगा क्या है। तो अभी फटाफट मैं यूनिफॉर्म पहन के और जाता हूँ, थोड़ा बहुत हैंड ओवर हो जाएगा, फिर मिलते हैं, बाद में अपडेट बताता हूँ आप लोगों को। ओके बाय। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आज मेरा पहला दिन था ऑन बोर्ड, वॉज नॉट बैड, वॉज गुड, बट ओनली द थिंग इज कि जब मैं ज्वाइन किया तो जो एजेंट मुझे लेके आया था यहाँ पे डर्बन से, जो यहाँ पे ड्राइव करके आया मैं रिचर्ड्स बे में, सेम गाय ही पिक्ड हिम अप, जो मेरा यहाँ से जाने वाला था थर्ड ईयर उसको लेके चला गया। सो आई डिडंट गेट टाइम फॉर द हैंडिंग ओवर एक्चुअली। सो अभी मुझे खुद को फाइंड आउट करना है सारा चीज़ क्या है कैसा है, एंड ऑफकोर्स बाकी लोग हैं तो आई विल गेट हेल्प फ्रॉम देम and they are good people and I hope everything goes fine and all. It's already night here, see, it's going to be 11 o'clock. मैं अभी सोने के लिए जा रहा हूँ। सो गाइस, गुड नाइट। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड आगे जो ऑनबोर्ड लाइफ है एक्सप्लोर करने के लिए रेडी हो जाइए। सो आई विल बी एक्सप्लोरिंग मोर थिंग्स, आई होप आई गेट गुड टाइम्स एंड आई विल शो द लाइफ ऑन बोर्ड बट हाउ इट्स देयर। सो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ।